अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने बनाया है फिरनी लच्छा पराठा, जिसके लिए हमने नॉर्मल रोटी वाला ही आटा गूंद लिया था। और ये कैसे बनता है चले आपको बना के दिखाते हैं। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले रोटी को बेल लेंगे। ये पराठा बेल चुका है, अब इस पे थोड़ा तेल डाल के इसको चारों तरफ तेल लगाएंगे। थोड़ा आटा डाल, सूखा आटा डाल के ये पूरा रोटी पे हमने तेल लगा लिया चारों तरफ। अब इसको बारीक बारीक काटेंगे, कुछ इस तरीके से काट लेंगे इसको। तो हमने ये कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब इस पे वापस से थोड़ा आटा डालेंगे। अब इन सबको इस तरीके से उठा लेंगे। अब इसका कुछ इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का पेड़ा बना है। पेड़ा बना के फिर इस पे थोड़ा तेल डाल के थोड़ा देर इसको ऐसे ही रख देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, बाकी के अपने जो पेड़े हैं उसका भी पराठे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से इनको बेलेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त लच्छा पराठा बनता है। इस वाले पेड़ को 80 बड़ा कर लेते हैं, इसको बैलेंस नहीं लेंगे। उसी तरीके से दबा बाकी चारों तरफ लगा के इसको ऐसे लेते रहेंगे। पराठे को सेकेंगे, तो थोड़ा मीडियम आंच पे रख के ही सेकेंगे। इसको पलट लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। अब इसको घी लगा लेंगे। ये देखिए पराठा सिक चुका है, इसको निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों, ये बनाते बनाते ही इसके लच्छे खुल गए, इसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी इसको ना हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों पराठे बहुत ज़्यादा गर्म है, आप लोग भी बना के जब तोड़े तो थोड़ी
एहतियात से तोड़ें, हाथ जल सकता है, ये देखिए मेरे हाथ जल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए तो भाइयों, आप लोग भी ये लच्छा पराठा बना के ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।